जय हिंद। क्राइम फाइल्स में आज देखिए खूनी रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना का सनसनीखेज खुलासा, जिसका सच आपको चौंका देगा, आपको हैरान कर देगा। एक भाई जो अपनी बहन से अतः प्यार करता है, स्नेह करता था, उस पर जान छिड़कता था और पूरा विश्वास भी करता था। इसी विश्वास के कारण 50 लाख के बीमे की नॉमिनी भी उसी बहन को बना, लेकिन उसी बहन ने भाई बहन के पावन रिश्ते की डोर को एक झटके में तोड़ दिया। आइए बताते हैं असल में क्या है ये पूरा सनसनीखेज मामला। भैसुमा थाना क्षेत्र के गांव भंडौरा निवासी 35 वर्षीय मोनवीर उर्फ मोनू अविवाहित था। वह रोडवेज में संविदा पर परिचालक था, लेकिन मोनू शराब पीने का आदी था। उसने कुछ समय पहले ही अपना 50 लाख रुपए का बीमा करवाया था और उसने अपनी बहन जिसका नाम सुरेखा को अपना नॉमिनी बनाया था और वह अब तक बीमे की 4 किस्त जमा भी कर चुका था। यह सनसनीखेज घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था। शुक्रवार सुबह मोनू अपने हिस्ट्री शीटर दोस्त अमरीश के साथ कार में सवार होकर मवाना पक्का तालाब के समीप अपनी बहन सुरेखा के घर गया था। दोपहर बाद सुरेखा हिस्ट्री शीटर के साथ कार में मोनू का शव लेकर अपने मायके पहुंची तो वहां ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने मोनू की हत्या की आशंका जताते हुए थाना भैसुमा पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। पोस्टमार्टम के दिन शनिवार देर शाम मृतक के बड़े भाई ने बहन सुरेखा और हिस्ट्री शीटर अमरीश के खिलाफ हत्या की तहरीर भी दी थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों यानी हिस्ट्री शीटर अमरीश और मृतक की बहन सुरेखा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो खुलासा हुआ दिल दहलाने वाले एक मर्डर केस का। पुलिस पूछताछ में सुरेखा ने बताया कि उसने मोनू की बीमा पॉलिसी के 50 लाख रुपए पाने के लिए उसके दोस्त हिस्ट्री शीटर अमरीश के साथ मिलकर गला दबाकर बेरहमी से उसकी हत्या की है। वहीं थाना प्रभारी सुभाष सिंह ने बताया कि हत्यारोपित सुरेखा व हिस्ट्री शीटर अमरीश को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थाना बैसुमा क्षेत्र के भड़ौरा गांव में रहने वाला एक युवक मवाना क्षेत्र में उसकी बहन जहां रहती थी वहां पे उसकी हत्या हुई थी, जिसमें थाना मवाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें जो अभियुक्त तो शामिल थे मृतक की बहन और अमरीश नाम का एक लड़का था, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि मृतक के ताऊ जो निसंतान थे उन्होंने इसको गोद लिया था और उन्होंने इसको अपनी ज़मीन इसके नाम आ गई थी, इसने ज़मीन बेच दिया था। बेच करके जो पैसे प्राप्त हुए थे और चूंकि नशा भी करता था, इसने नशा दारू पीने में काफ़ी खर्च किया और कुछ पैसे इसने अपनी बहन को भी दिए थे और बहन ने इसके नाम से बीमा भी करवाया था और इसकी दारू पीने की आदतों से परेशान होकर के ये बहन के यहाँ ही अक्सर रहता था। तो घटना के दिनांक को ये अमरीश इसको लेकर के भड़ौरा बैसुमा से मवाना बहन के घर आया था, जहाँ पर इन्होंने योजना बना करके बीमे की रकम हड़पने और 10 लाख रुपए जो उसने अपनी बहन को दिया था उसको ना देना पड़े, इसके लिए अमरीश के साथ मिल करके इन्होंने हत्या कर दी थी, जिसका खुलासा हो चुका है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गैंगस्टर के अभी कोई आरोपी जो अमरीश है, इसके आपराधिक इतिहास है, ये पहले भी जेल जा चुका है।